नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में हम प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर लेकर आए हैं, साथ साथ आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी है। आप सभी को पता ही है कि मैं अनअकैडमी पर रोज़ स्पेशल क्लासेस लेता हूँ। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस का टाइम टेबल मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मॉर्निंग में पहली क्लास 8 बजे शुरू हो जाती है, उसी के बाद 9:30 बजे दूसरी क्लास होती है मॉर्निंग में, और तीसरी क्लास रात में 9 बजे होती है। तो अनअकैडमी पर 3 क्लासेस हैं, सुबह 8 बजे से, सुबह 9:30 बजे से और रात में 9 बजे से। इन तीनों क्लासेस की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपने अभी तक क्लासेस के नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं तो आप ऑन कर लीजिए और टाइम से क्लास में आ जाइएगा। दोस्तों अनअकैडमी पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आपके मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं है तो एकदम आसान है। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड करना फ्री में हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, जहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड मोबाइल में आप करते हैं। वहाँ पर अनअकैडमी लिखकर बस आप सर्च कर देंगे तो आपके लिए अनअकैडमी की ये एप्लीकेशन दिख जाएगी। इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर लीजिए फ्री में। डाउनलोड करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा, रजिस्टर्ड करिएगा, ओटीपी आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने का उसमें आएगा ऑप्शन। एप्लीकेशन में आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करने में एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी में फ्री पढ़ाता हूँ, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्ज़ाम ही सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक एनरोल कोड मांगा जाएगा। तो आपको कोड क्या एंटर करना है, कैपिटल लेटर में AEGG। ये अपने यूट्यूब चैनल का शॉर्ट फॉर्म है, ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु, AEGG। ये 4 अक्षर का कोड आप एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये कोड एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हुए आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं, मुझे मेरे नाम रंजीत पांडे से सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर लेंगे तो मेरी सारी क्लासेस आप मेरी प्रोफाइल से जाकर देख सकते हैं। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी क्लिक करके सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो सभी टाइम से अनअकैडमी पर ज़रूर आ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी ये जानकारी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं टेस्ट सेट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या हुआ करता था। तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा पीपली घाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत अपने आचरण के प्रति जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन IDC मुख्यतः इनमें से किस राज्य में चलती है। तो डेक्कन IDC जो है ये चलती है महाराष्ट्र राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की थी और कब की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी ने 1904 में की थी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ब्लैक पैगोडा के नाम से इनमें से मंदिर जो है सूर्य मंदिर कोणार्क का प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जोजीला दर्रा किसको किससे जोड़ता है। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जोजीला दर्रा इनमें से किसको किससे जोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को लेह से जोजीला दर्रा जो है जोड़ता है। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन इनमें से कौन करता है। राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्यपाल प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा इनमें से किससे संबंधित है। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा जो है इनमें से किससे संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा आपके सामने। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी। राइट आंसर क्या है। तो उदारवादियों की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति की संज्ञा जो है ये दी थी उग्रवादियों ने। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो पीपली घाट दर्रा जो है अरावली पर्वत श्रृंखला पर है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालक कौन होता है? तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालक राज्य का राज्यपाल होता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। रेल किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए कौन सी समिति गठित हुई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? तो रेल किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए नंजुनदप्पा समिति जो है गठित हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी नारायण मंदिर जिसे आप अक्षरधाम मंदिर बोलते हैं कहाँ पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो स्वामी नारायण मंदिर जिसे आप अक्षरधाम मंदिर बोलते हैं ये मंदिर जो है गांधीनगर में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, उदारवादियों की कार्य पद्धति का साधन क्या हुआ करता था? तो उदारवादियों की कार्य पद्धति का साधन जो है प्रार्थना, याचना और फिर विरोध हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ इनमें से क्या है? मतलब राज्यपाल के अभिभाषण से आप क्या समझते हैं? तो राज्यपाल का अभिभाषण मतलब विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पर दिया गया भाषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से रेल सेवा से वंचित राज्य कौन सा है? मतलब जिसमें बड़े स्तर पर रेल सेवा नहीं है, ऐसी बात हो रही है इस क्वेश्चन में। तो बड़े स्तर पर रेल सेवा से वंचित राज्य सिक्किम है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है तो रेल जो है उतने स्तर पर नहीं है, है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए? तूजू दर्रा भारत को जो है म्यांमार से जोड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि वह राजद्रोही संस्था है और उसके नेता संदिग्ध चरित्र के हैं? तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात एल्गिन द्वितीय ने कही थी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल विधान परिषद के मनोनीत सदस्य 1/6, टोटल का 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, सप्तरथ मंदिर कहां पर है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए? सप्तरथ मंदिर इनमें से कहां पर है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या है? तो सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम में है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी के ऊपर रखा गया है? राइट आंसर क्या है बतलाइए? शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम जो है ये रखा गया है जवाहरलाल नेहरू जी की शतवार्षिकी के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो K2 के बाद में द्वितीय पर्वत शिखर जो है यह है कंचनजंगा, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? राइट आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार जो है इनमें से बैडेनबर्ग ने की है, राइट आंसर है। दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट पेपर। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास में टाइम से आ जाइएगा, अनअकैडमी की क्लास की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जो मैंने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।